आज हम लोग रानी चिनम्मा के बारे में जानेंगे। बात आज़ादी के पहले की है। कर्नाटक प्रांत के बेलगाम जिले में एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था कस्तूर। एक बार यहाँ एक नरभक्षी बाघ का आतंक फैल गया। जनता काफ़ी डरी हुई थी। उस समय कित्तूर में राजा मल्लसर्ज का शासक था। जनता को भय से मुक्त कराने में नरभक्षी बाघ को मारने के लिए राजा तुरंत उसकी खोज में निकले। जल्द ही बाघ का पता चल गया और राजा ने उस पर बाण चला दिया। बाघ घायल होकर गिर गया। जैसे ही राजा बाघ के नज़दीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाघ पर एक नहीं बल्कि दो दो तीर लगे हुए हैं। राजा को थोड़ी हैरानी हुई, यह दूसरा तीर किसने लगा या तभी उसकी नज़र पास में खड़ी सैनिक की वेशभूषा में सजी एक सुंदर कन्या पर पड़ती है। राजा को समझते देर न लगी कि दूसरा बाण कन्या का ही है। यह बहादुर कन्या कोई और नहीं बल्कि रानी चिनम्मा थी जो आगे चलकर राजा मल्लसर्ज की पत्नी बनी। रानी चिनम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 में कर्नाटक के बेलगावी जिले के एक छोटे से गांव ककाती में हुआ। पिता धुलप्पा और माता पद्मावती ने इसका पालन पोषण किया बल्कि एक राजकुमार की तरह किया था। चिनम्मा को संस्कृत, कन्नड़, मराठी, उर्दू आदि भाषाओं के साथ घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र चलाने में बहुत निपुणता थी। शिक्षा दी गई। राजा मल्ला शाराजा से विवाह के बाद वे कित्तूर की रानी बन गई। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन इसके बाद वक्त ने उनके साथ क्रूर मजाक करना शुरू किया। पहले पति का निधन हुआ, उसके बाद 1824 में उनके इकलौते बेटे का। अपने बेटे को गोद लेकर उसने अपनी गद्दी का वारिस घोषित कर दिया लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती थी, उसने एक नीति लाई जिसे हड़प की नीति के तहत रानी ने इस उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं किया। हालांकि उस समय पर औपचारिक तौर पर हड़प नीति लागू नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी ब्रिटिश शासन ने शिवलिंगप्पा को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। रानी ने अंग्रेजों का आदेश नहीं माना। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से बॉम्बे प्रेस्टिज के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एफिनियंस को एक पत्र भेजा और उनसे आग्रह किया कि यह कित्तूर के मामले में हड़प नीति लागू न करे, लेकिन उनके आग्रह को अंग्रेजों ने बेरुखी से ठुकरा दिया। इस तरह ब्रिटिश और कित्तूर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वास्तव में अंग्रेजों की नज़र कित्तूर के खजाने और आभूषणों के जखीरे पर थी जिसका मूल्य उस वक्त लगभग 15 लाख रुपये था। अंग्रेजों ने 20,000 सिपाही और 400 बंदूकों के साथ कित्तूर पर हमला कर दिया। अक्टूबर 1824 में रानी और अंग्रेजों के बीच पहली लड़ाई हुई। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेजों के एजेंट सेंट जॉन ठाकरे कित्तूर की सेना के हाथों मारा गया। इसके अलावा कित्तूर के बहादुर सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों में सर वाल्ट एल्टन और स्टीवेंस को बंधक बना लिया। मजबूर होकर अंग्रेजों ने समझौता का रास्ता अपनाया और वादा किया कि वह अब युद्ध नहीं करेंगे। रानी ने भी दया का भाव दिखाया, ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया, लेकिन अपनी फितरत से मजबूर अंग्रेजों ने रानी को फिर धोखा दिया और दोबारा से युद्ध छेड़ दिया। रानी चिनम्मा अपने सहयोगियों संगोल रयन और गुरु सिद्धप्पा के साथ बहुत से बहादुर री से लड़ी लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले कम सैनिक और सीमित संसाधनों के कारण वह हार गई। उनको बेहोगल के किले में कैद कर दिया गया और 21 फरवरी 1829 के दिन रानी वीरंगता को प्राप्त हो गई और सदा छोड़कर चली गई। उसकी पहली जीत और विरासत का जश्न अब भी कर्नाटक में मनाया जाता है। हर साल कित्तूर में 22 से 24 अक्टूबर तक कित्तूर उत्सव का आयोजन किया जाता है।
उनकी एक प्रतिमा नई दिल्ली के पॉलीयारमेंट हाउस में लगी है। रानी चिन्नम्मा की कहानी लगभग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह है। इसकी इनको कर्नाटक में लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग रानी चिन्नम्मा के बारे में जाने हैं। धन्यवाद।